हेलो एवरीवन, आपका इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं, और ये रैंडम क्वेश्चन किसी भी टॉपिक लाइक नेटवर्क का भी हो सकता है, एनालॉग का भी हो सकता है, डिजिटल का भी हो सकता है, मशीन का भी हो सकता है, कम्युनिकेशन का भी हो सकता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टफेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप लोग एक से जो वीडियो को मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन कराता हूँ, एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ, उन सभी को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो कि सभी आपके एग्जाम्स लाइक जेई एई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को पूरा समझते हैं, डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आउटपुट को फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए, आपके सामने एक ये सर्किट दिया गया है और इसमें अगर देखें क्वेश्चन, आप देखिए, द बाइपर ऑफ द 20 किलो ओम पोटेंशियोमीटर इज बिलो फिगर, फिगर आपको दिया गया है, इज पोजीशनड हाफ वे। इसका मतलब आप देखें, ये बाइपर लगा दिया है 20 किलो ओम के बिल्कुल बीच में लगा दिया, इसका मतलब हमने इसे दो भागों में तोड़ दिया, दैट मीन 10 किलो ओम 10 किलो ओम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये आपको 10 किलो ओम दिया गया, ये 15 किलो ओम, फीडबैक रेजिस्टेंस कहलाता है, ये आपका आउटपुट है, दैट मींस हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालना। अभी तक काफी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा अभी हमें करना क्या है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, -1.5 वोल्ट, -1 वोल्ट, -0.75 वोल्ट और 0.5 वोल्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करें। तो आपको जो ये सर्किट दिया गया है, हम लोग इसको अरेंज करते हैं, बनाते हैं एक अच्छी तरीके से। जैसे इसमें बोला गया है पोजीशन हाफ वे, तो हाफ वे का मींस यहां पर क्या है, दैट मींस इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से बना देंगे, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, दिस इज ऑफ 2 वोल्ट, ओके, यहां पर 2 वोल्ट हो गया, ये ब्रेक हो गया यहां से, दिस इज ऑफ 10 किलो ओम, नेगेटिव पॉइंट, दिस इज पॉजिटिव पॉइंट, यहां से जो भी हमारा पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था या फिर ग्राउंड, एंड दिस इज फीडबैक रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस इज वी नॉट एंड द रेजिस्टेंस बिकम 15 किलो ओम, द आउटपुट इज वी, ओके। तो दिस इज अ बेसिक सर्किट, इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 10 किलो ओम एंड 10 किलो ओम। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, सो यू कैन See, firstly, we find this voltage. We can name Vx. This point is act as a node. Okay, so this point we apply nodal analysis. Okay, if you apply nodal analysis, you can solve also. You can also apply voltage divider rule. Okay, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे voltage divider लगाने वाले हैं ताकि हम simple तरीके से question को solve कर लें। आपको एक point पता है कि ये आपका V नेगेटिव पॉइंट होता है एंड दिस इज V पॉजिटिव पॉइंट, ये आपका वर्चुअल ग्राउंड है, दैट मींस V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट, एंड व्हेन इट इज 0 इट इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। तो जो V पॉजिटिव 0 हुआ है इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल ग्राउंड, एंड V नेगेटिव इक्वल्स टू V पॉजिटिव दैट मींस इट इज अ वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन। तो वर्चुअल शॉर्ट में बी नेगेटिव हमारे पास कितना आया, 0 आया। जब ये 0 आया तो इसको हम अंदर लिंक करके बनाए, तो इतने से पार्ट को, सिंपली इतने से पार्ट को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग समझिएगा एक एक पॉइंट को जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जितने ही बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, ये 10 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम, दैट मीन्स दिस इज 10 किलो ओम, दिस इज 10 किलो ओम, एंड दिस इज ऑल्सो 10 किलो ओम विच इज ग्राउंड विच इज 0 वोल्ट। 0 कैसे, ये V नेगेटिव आपका 0 था या फिर 10 किलो ओम, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड, दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड है तो हम लोग इसमें इजी तरीके से वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, एंड दिस इज 10 एंड 10 पैरेलल एंड विच इज कॉल्ड अ 5 किलो ओम, ओके। यू कैन सी 10 किलो ओम एंड 10 किलो ओम बिकम अ 5 किलो ओम। So we can apply this voltage which is called Vx, and Vx equals to, we apply a voltage division rule which is called VDR, okay. So we can apply at this point,
we can apply at this point Vx, VDR voltage division rule, and this point V negative become a zero due to a voltage, due to a virtual short condition. Okay, this voltage become zero. So VDR we apply Vx equals to 2 into this is become 5 upon 5 plus 10. That means 2 into 5 upon 15. It is cut and 2 by 3. So, दोस्तों ये कैंसिल कर दिया, Vx की वैल्यू आ गई 2 by 3. But we have to find V naught. तो Vx की वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल गया है 2 by 3. हमें V naught निकालना है. तो Vx की वैल्यू 2 by 3 आ गई. Okay. जैसे ही आ गई तो हमारा ये इन्वर्टिंग टर्मिनल था, ये आपको पता है Vx अप्लाई कर रहे हैं तो V naught equals to कैसे होगा, है ना? तो ड्यू टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो एम्पलीफायर की अगर बात करते, दो प्रकार के होते हैं, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग. तो अगर हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, V naught equals to minus Rf upon R1 into Vi. That means you can also write minus 15 upon 10. This is 15k, 10k into Vi. What is Vi? Vi is Vx. So we can apply Vx. Okay, we can apply here Vx. So Vx is 2 by 3. Okay, so this is 30, this is 30 and cancel out to each other. That means minus 1 volt. So V naught equals to minus 1 volt. Which of the following is correct? Option V is correct. तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के लिए इस टाइप के काफी क्वेश्चंस असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछे गए हैं और जूनियर लेवल पे आपसे सिर्फ फॉर्मूले ही इससे पूछे गए हैं. कुछ हालांकि ऐसे पेपर भी हैं जैसे DMRC, उसमें GE में इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं. खैर ये वोइड का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे लिया. इस तरीके के काफी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं. आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो बहुत ही अच्छे से आ भी गया होगा समझ में कैसे मैंने बताया. और अगर आपको डिटेलिंग में समझना है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की कंडीशन ये कैसे आ गई, यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, ये अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो इसके लिए आप हमारा बैच ज्वाइन करिए जिसमें आपको एक एक जानकारी बहुत अच्छे से दी जाएगी. यहाँ पर मैं डेली एक वीडियो इसीलिए लेके आता हूँ ताकि जिन बच्चों को सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं वो क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और एग्जाम्स को तुरंत डील करें, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील करें. ओके, आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो. दोस्तों लाइक जरूर करें. ओके, नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद.